तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन में शुक्रवार सुबह आग लग गई। पावर प्लांट में आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ऑपरेशन दल घटना स्थल पर पहुंच चुका है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक श्री सेलम बांध पर अंडरग्राउंड पावर प्लांट की यूनिट एक में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक प्लांट में अब तक करीब 9 लोग फंसे हुए हैं। ये सभी संयंत्र के कर्मचारी हैं। इनमें से बचाए गए लोगों में से 6 का श्री सेलम के एक अस्पताल में इलाज जारी है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम फिलहाल अंदर फंसे अन्य लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। एनडीआरएफ के साथ ही कुर्नूल जिले के अत्माकुर फायर स्टेशन की एक टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है।